लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कायदा नंबर 2 के बारे में, जो कि है हरकत ज़ेर के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कायदा नंबर 3, जो कि है हरकत पेश के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, हरकत 3 तरह की होती है, जबर, ज़ेर, पेश। जबर ऊपर होता है, उसकी आवाज सीधे जाती है, ज़ेर नीचे होता है, उसकी आवाज नीचे की ओर होती है, और पेश ऊपर होता है और इसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है और इसकी आवाज ऊपर की ओर जाती है। तो यहां पर कायदा नंबर 3 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले यहां पर आपको लाइन से सभी हरूफ मिलेंगे, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड पार्ट में यहां पर हरूफ को अलग अलग रखा गया है, और थर्ड पार्ट में यहां पर हरूफ को मिलाकर रखा गया है लेकिन मिलाकर लिखा नहीं गया है, और फोर्थ पार्ट में यहां पर सभी हरूफ को मिलाकर रखा गया है और मिलाकर लिखा भी गया है। पेश की पहचान यह है कि यह हरूफ के ऊपर होता है और इसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है, इसकी आवाज ऊपर की ओर जाती है, जैसे कि हमजा पेश, उ बा पेश, बु ता पेश, तु सा पेश, सु जीम पेश, जु हा पेश, हु खा पेश, खु दाल पेश, दु जाल पेश, जु रा पेश, रु जा पेश, जु सीन पेश, सु शीन पेश, शु स्वाद पेश, सु ज़ाद पेश, जु ता पेश, तु ज़ा पेश, जु ऐन पेश, उ ग़ैन पेश, गु फा पेश, फु क़ाफ पेश, उ काफ पेश, कु लाम पेश, लु मीम पेश, मु नून पेश, नु वाव पेश, वु हा पेश, हु या पेश, यु बा पेश, बु ता पेश, तु सा पेश, सु हा पेश, हु खा पेश, खु रा पेश, रु ज़ा पेश, ज़ु फा पेश, फु हा पेश, हु या पेश, यु ता पेश, तु ज़ा पेश, ज़ु दाल पेश, दु ज़ाल पेश, ज़ु मीम पेश, मु वाव पेश, वु काफ पेश, कु लाम पेश, लु हमजा पेश, उ जीम पेश, जु नून पेश, नु क़ाफ पेश, उ ऐन पेश, उ ग़ैन पेश, गु सीन पेश, सु शीन पेश, शु स्वाद पेश, सु ज़ाद पेश, जु। यहां पर ये मश्क है, प्रैक्टिस है। इसमें सभी हरूफ को मिलाकर रखा गया है लेकिन उनको मिलाकर लिखा नहीं गया है, तो इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, हमजा पेश, उ बा पेश, बु लाम पेश, लु उ बु लु मीम पेश, मु रा पेश, रु दाल पेश, दु मुरु दु जीम पेश, जु रा पेश, रु फा पेश, फु जुरुफु सीन पेश, सु रा पेश, रु फा पेश, फु सुरुफु शीन पेश, शु खा पेश, खु ज़ाल पेश, जु शुखुजु फा पेश, फु लाम पेश, लु मीम पेश, मु फुलुमु मीम पेश, मु रा पेश, रु ज़ा पेश, जु मुरुजु ज़ा पेश, जु रा पेश, रु फा पेश, फु ज़ुरुफु रा पेश, रु ता पेश, तु सा पेश, सु रुतुसु हमज़ा पेश, उ बा पेश, बु लाम पेश, लु उबुलु।
यहाँ पर आपको हरूफ की पहचान भी करनी है और उनको पढ़ने की प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये हमजा पेश उ, बा पेश बु, लाम पेश लू, मिलाकर के पढ़ा जाएगा उबुलू, और ये मिलाकर के लिखा जाएगा इस तरह से, ये भी उबुलू है और ये भी। फर्क ये है कि ये अलग अलग लिखा गया है, जबकि ये हरूफ को मिलाकर लिखा गया है, और कुरान पाक में आपको ये इसी तरह से मिलेगा, मिलाकर लिखा हुआ, ऐसा आपको कोई लफ्ज नहीं मिलेगा। तो नीचे यहां पर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मीम पेश मु, रा पेश रु, दाल पेश दु, मुरु दु, जीम पेश जु, रा पेश रु, फा पेश फु, जुरु फु, सीन पेश सु, रा पेश रु, फा पेश फु, सुरु फु, शीन पेश शु, खा पेश खु, ज़ाल पेश ज़ु, शुखु ज़ु, फा पेश फु, लाम पेश लु, मीम पेश मु, फुलु मु, मीम पेश मु, रा पेश रु, ज़ाद पेश ज़ु, मुरु ज़ु। इसे आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि हरूफ जो अलग अलग लिखे गए हैं और इनकी एक आवाज़ निकल रही है, उन्हीं हरूफ को जब मिलाकर लिखा जाता है तो आवाज़ सेम रहती है, लेकिन उन्हें लिखने का जो तरीका होता है, उनकी जो शक्ल होती है, वो बदल जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये फुलुमु है और ये भी फुलुमु है, लेकिन ये अलग अलग हरूफ है और यहाँ पर हरूफ को मिलाकर लिखा गया है। यहाँ तक हमारी तीनों हरकत ज़बर, ज़ेर और पेश कंप्लीट हो चुकी है और हमने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम कायदा नंबर 4 पढ़ेंगे, जो जज़्म के बारे में है। ये आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन मैं जैसे जैसे वीडियो में आपको समझाऊंगा, अगर आप वैसे पढ़ेंगे तो ये कुछ भी हार्ड नहीं रहेगा। यहाँ पर ये हमारी तीनों हरकतें कंप्लीट हो चुकी है, ज़बर, ज़ेर और पेश। इसमें आपको एक बड़ी गलती से बचना है। काफ़ी सारे लोग इसे मजहूल पढ़ते हैं। मजहूल का मतलब होता है इसको खींचना, जैसे कि बा ज़बर बा, ये मजहूल है, और अगर हम इसे पढ़ें बा ज़बर बा, ये मारूफ है। तो आपको हमेशा मारूफ पढ़ना है, इसको मजहूल करने से बचना है। इसी तरह से बा ज़ेर बी, ये मारूफ है और आपको यही पढ़ना है, और बा ज़ेर बी, इस तरह से जो लोग पढ़ते हैं ये मजहूल है और गलत तरीका है, ऐसे आपको नहीं पढ़ना है। इसी तरह से पेश में रहेगा, बा पेश बु, ये मारूफ है और सही तरीका है, और अगर पढ़ें बा पेश बु, ये मजहूल हो जाएगा और ये गलत तरीका है, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सो, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होता है, सवाल होता है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं।